Well, hi everyone, good afternoon. और आज है संडे, तो मैंने अपना रैंडमली अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आज हम बना रहे हैं नमक पारे, जिसे आप मटर भी बोल सकते हैं या मटरी भी बोल सकते हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम कैसे बना रहे हैं. तो अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टेक्स्ट करें. और हम ये जो डॉट डॉट कर रहे हैं नाइफ से या फॉक से कर सकते हैं, तो ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी मटरी फूले नहीं और कुरकुरी बने. और ये चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही यमी होती है और हेल्दी है. भाई घर का खाना तो हेल्दी होता है, तो आप घर का बनाएं और बाहर का कुछ भी ना खाएं, क्योंकि आपको पता ही है कैसा कैसा चल रहा है. और आप इसको अपनी शेप दे सकते हैं कोई भी, हमने स्क्वायर दे रखी है. और ये देखिए हम अभी तल रहे हैं इसको, और इसको तलने के बाद ये कुरकुरी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. उसके बाद आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और चाय के साथ जब मर्जी खाएं. और ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही यम्मी होती है, बड़ा मज़ा आता है इसको चाय के साथ खाने में. तो आज रात को हम डिनर में छोले बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने छोले को वॉश कर लिया है 2-3 बार पानी में. वॉश करने के बाद आप छोले को अच्छे से तेज़ गर्म पानी में भिगा के रख लें, और उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो मिक्स कर लें. इससे आपके जो छोले हैं वो जल्दी से फूलेंगे और बहुत जल्दी गल भी जाएंगे और जल्दी बनेंगे. अब मैं सारे कपड़े दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ, जो कि मेरी नायरा मायरा ने कल ख़राब कर दिए थे, और फिर मैंने उसके बाद उसे साइड रख दिए थे. तो मैं अब दोबारा से उनको फोल्ड कर रही हूँ, और अब मैं साथ के साथ रखने वाली हूँ. तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ अपनी नायरा मायरा के और अपने कपड़े. जब मैं नायरा मायरा के कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ तो मैं इनके सेट बना के पहले से ही रख लेती हूँ, क्योंकि जब मैं इन दोनों को कपड़े एक जैसे ही बनाती हूँ तो फिर मुझे इससे दिक्कत नहीं होती. मैं उस वक्त मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, मैं दोनों के सेट एक जैसे एक साथ बना के रख देती हूँ. अब आप देखो हमारे कितने कपड़े हैं और नायरा मायरा के कितने कपड़े हैं. सबसे ज़्यादा ना नायरा मायरा के ही कपड़े होते हैं, क्योंकि वो डेली गंदे करती हैं. डेली एक कम से कम 2 बार मुझे चेंज करने पड़ जाते हैं कपड़े. और अभी वो साथ में यहाँ पे सो भी रही है नायरा, ये देखिए. शाम हो चुकी है और 5 बज गए हैं. तो आज है जनता कर्फ्यू डे, तो मेरी नायरा मायरा भी पूरा फुल सपोर्ट कर रही हैं. डिनर में हम बनाने वाले हैं छोले, बिल्कुल शादी पार्टी स्टाइल वाले. तो मैंने छोले को बॉईल करते वक्त उसमें 2 टी बैग्स डाल दिए थे फुल फाइन कलर, और उसके बाद मैंने उसमें डाली थी 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 6-7 काली मिर्च, 2 लौंग और 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ा सा नमक. तो डिनर माँ बना रही हैं, तो अभी आप जो भी देखेंगे बनाते हुए तो वो मेरी मदर इन लॉ ही बना रही हैं. तो हमने सेम कुकर में ऑयल ले लिया, उसमें डाला है 1 पिंच हींग, उसके बाद हमने डाला है जीरा, और 2 पिंच हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, जिससे कि इजीली हमें डाइजेस्ट हो जाए. अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज अदरक लहसुन चॉप करा हुआ. अब हम इसमें ज़रा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे, याद रहे कि हमने बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था, तो हम थोड़ा सा ही डालेंगे जिससे कि हमारी प्याज जल्दी से भुन जाए. और आप देख सकते हैं प्याज का कलर ब्राउन हो गया है. अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे, जो कि हमने पेस्ट बनाकर रेडी रखा है. आप अपनी फैमिली के हिसाब से अपना मटेरियल रेडी करें, जो भी आपने प्याज टमाटर का रेडी करना है. इसलिए मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो हमारा खाना उस हिसाब से ही बनता है. सो या 50-60% हमारे टमाटर पक चुके हैं. अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 स्पून धनिया पाउडर,
उसके बाद हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और कलर के लिए हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का। और आप अपने मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। अब हम अपने मसालों को अच्छे से पका लेंगे जिससे कि उसमें कच्चापन ना रहे और हम इसमें हल्दी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अमचूर पाउडर। इससे अमचूर पाउडर से कलर भी आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा एनहेंस हो के आएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जो कि हम अपने हैंड से ही रब करके इसमें ऐड कर लेंगे। और कसूरी मेथी का जो फ्लेवर और फ्रेग्रेंस आती है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने बॉईल करे हुए छोले। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें सीटी और लगवानी है। अब हम इसमें 2 से 3 सीटी लगवा लेंगे। अब ये हमने छोले में डालने के लिए सेकंड तड़का रेडी करा है। इसमें हम लच्छेदार काटेंगे प्याज टमाटर और अदरक को। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे इसका। तो हमारी विसल लग चुकी है और हमने पैन में ऑयल अपना गर्म कर लिया है। और अब हम अपने छोले में ऐड कर लेंगे लच्छे वाले जो हमने प्याज टमाटर और अदरक काटे थे, वो हम ऐड कर लेंगे उसमें। अब जो हमारा ऑयल गरम हो चुका है वो हम ऊपर से डालेंगे और कुकर का ढक्कन लगा के हम उसे ढक देंगे जिससे कि उसकी फ्रेग्रेंस अंदर ही अंदर रहे। 1 मिनट होने के बाद हम उसमें अब ऐड कर देंगे जो हमने धनिया काट के रखा है। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे छोले में। और अब हम अपने प्लेट सजा सकते हैं। रेडी हो चुके हैं हमारे छोले और आप देख सकते हैं कितने यमी, कितने टेस्टी, बिल्कुल शादी पार्टी वाले बने हैं हमारे छोले। और आप एक बार इसको खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। और अब हम बना रहे हैं एक साइड पूरी। बन चुकी है और हमारा डिनर रेडी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नायरा मायरा सो चुकी है और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।